Hello students, today we are going to do some questions which are related to our previous topics. So our first question is, question number one is, if A equals to this, then find a matrix B such that condition is given AB is equals to I. Solution, here we have A is equals to matrix 3 minus 4 minus 1 minus 2 and let B equals to a matrix X, Y, Z, U. Now according to condition AB equals to I. AB means we have to multiply both the matrices. This is A, this is matrix B. A is equals to 3 minus 1 minus 4 and 2. This is X, Y, Z, U. Is equals to I identity matrix. ये हमें 2 by 2 की दे रखी है, तो हम यहाँ पे भी identity matrix 2 by 2 की लिखेंगे. Multiplication already हमने solve करी थी. कैसे करते हैं? First row, first column. First element by first element 3X minus 4Z. अभी ये मैंने आपको बताया था, ये 2 by 2 की है, ये 2 by 2 की है. इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होने चाहिए. अगर इसके कॉलम इसके रो के इक्वल होंगे तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है. अब ये तो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी. जो नई हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी? 2 by 2 की. इस 2 by 2 की नई वाली हमारी मैट्रिक्स 2 by 2 की बनेगी. नाउ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट सॉरी सेकंड कॉलम के साथ करेंगे. 3y माइनस 4u, वैसे यहाँ प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया. सेम एज नेक्स्ट माइनस x प्लस 2z. अब किन रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, ये आया. अब सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस y प्लस 2u. ये हमारी 2 बाय 2 की नेक्स्ट एक बन गई मैट्रिक्स. ये इक्वल्स टू हम एज इट इज ऐसे ही चलाते रहेंगे. अब ये देखो, यहाँ से हमारे पास कंडीशंस बनेंगी. फर्स्ट बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के. दिस इज नंबर वन. सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड के. दिस इज नंबर टू. थर्ड एलिमेंट होगा, दिस इज थ्री. माइनस वाई प्लस टू यू इक्वल्स टू दिस इज फोर. अब इसे हम जैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते ही हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे. अब इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ये दोनों, इसको और इसको, दोनों को सॉल्व करेंगे. ये वाली और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. क्या आएगा, 3x माइनस 4z इक्वल्स टू 1. अगर इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दूं, सीधे ही कर रही हूँ, आप यहाँ लाइन लिख लेना, बाय मल्टीप्लाइंग 3, इक्वेशन 3 बाय 3 एंड ऐड विद इक्वेशन 1. अब यहाँ आएगा 3x प्लस 6z इक्वल्स टू 0. ऐड करेंगे, एडिशन में साइन ही चेंज होते, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आएगा 2z, यहाँ आ गया 1. तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बाय 2. अब z की वैल्यू पुट करेंगे किस में, पुट इन 1. जब z की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आएगी, x की. पुट करके देख लो यहाँ साइड पे. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1. 3x माइनस 4z इक्वल्स टू 1. z इक्वल्स टू 1 बाय 2. 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1. 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. 2 दिस साइड नेगेटिव साइन, दैट साइड ऑफ पॉजिटिव साइन, 1 प्लस 2, 3x इक्वल्स टू 3. x इज इक्वल्स टू 3 बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 1. तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 1. अब हम इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को सॉल्व करेंगे, सॉरी 4 को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन नंबर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर से दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 3y है, यहाँ माइनस वाई है, माइनस ये माइनस 3y हो जाएगा, दोनों
ऑपोजिट साइंस में, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब सेम लाइन लिख रहे ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3 एंड ऐड विद इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3y-4u = 0। इसको 3 से करेंगे तो आएगा -3y+6u = 3। अगेन कैंसिल, ये फिर से हमारे पास क्या आएगा, 2u = 3। तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। अब फिर से पुट दिस इन, किसी में भी पुट कर लो, मैं 4 में पुट कर लेती हूँ। 4 में हम पुट करेंगे, -y+2u = 1 गिवन है, -y+2 × 3/2 = 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -y+3 = 1। 3 उस साइड जाके फिर से आपके पास हो जाएगा 1 - 3, या -y = -2। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास y = 2। x हमारे पास 1 आया, b मैट्रिक्स बी आ गई मेरे पास 1, 2, 1/2 एंड 3/2। दिस इज द आंसर। ओके, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, कंडीशन इज गिवन a²-8a+ki = 0। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट a² a into a, वी हैव डन इन मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, a into a, 1, 0, -1, 7, 1, 0, -1, 7। सेम अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये भी 2/2, 2/2, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो गई। नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी हमारी 2/2 की, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 1+0, ठीक है, 0+0, -1, -7, 0+49। तो ये आ गया हमारे पास 1, -8, 0 और ये 49। नाउ वी हैव टू शो दैट a²-8a+ki, वी विल टेक ओनली लेफ्ट हैंड साइड एंड पुट द वैल्यू ऑफ a²-1-8, 0, 49, -8। a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, -1, 0, 7 प्लस k एज इट इज स्केलर, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2/2 की चल रही है तो यहाँ 2/2 की बना लेंगे, अगर 3/3 की होती तो 3/3 की लिख लेते। 0, -8, ये आ गया 49 एज इट इज। अब ये 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 into -1 - 8, 8 into 0 0, 8 7 56 प्लस सेम ऐसे ही k 0 0 k। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, सो वी विल नॉट टेक लेफ्ट हैंड साइड, वी विल टेक इक्वल्स टू 0 ऑल्सो, एंड 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0। नाउ 1 8 1-8 1-8 प्लस के, -8 -8 + 0, 0 + 0 + 0, 49 - 56 + k = 0 0 0 0। यहाँ पे मैंने इनको इकट्ठे ही कर लिया, 1, 8 और k, फर्स्ट एलिमेंट, सेम सेकेंड, इसका सेकेंड, फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट सेम, यही वाले ऐसे ही ये एलिमेंट, साइन ये 1 - 8 + k, मैट्रिक्स के आगे जो साइन था हमने वैसे ही यूज़ कर लिया, ठीक है। अब 1 - 8 कितना हुआ, -7 + k, 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 0, ये ऑलरेडी 0 है,
49 माइनस 56 कितना हुआ, माइनस का 7 प्लस के इक्वल्स टू आपको 0000 हमारे पास है। अब फिर से बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट को इक्वल करेंगे फर्स्ट के साथ, क्या आ जाएगा 0, बाकी देखो सेम ही है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस चलो के इधर और ये 7, के इज इक्वल्स टू 7 आंसर। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स एक्स हैज़ ए प्लस बी रोज एंड ए प्लस टू कॉलम्स। कोई मैट्रिक्स एक्स दे रखी है जिसमें इतने रोज दे रखे हैं और इतने कॉलम्स दे रखे हैं। वाइल द मैट्रिक्स वाई हैज बी प्लस वन रोज एंड ए प्लस थ्री कॉलम्स। वहीं पे कहता वाई के पास इतनी रोज हैं और इतने कॉलम हैं। बोथ मैट्रिसेस एक्स वाई एंड वाई एक्स एग्जिस्ट, कहता दोनों की मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। आफ्टर दैट कैन यू से दैट एक्स वाई एंड वाई एक्स ऑफ द सेम टाइप, कहता सॉल्व करने के बाद क्या आप कह सकते हो कि दोनों सेम टाइप की हैं। आर दे इक्वल, क्या वो दोनों इक्वल हैं, ये तो हम सॉल्व करने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं है। सोल्यूशन में देखो अब क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट राइट डाउन मैट्रिक्स एक्स हैज, मैट्रिक्स एक्स हैज ए प्लस बी रोज एंड ए प्लस बी रोज एंड ए प्लस टू कॉलम्स। ये जो उसने दे रखा था हमने बस लिखा ही है। सेम मैट्रिक्स वाई हैज बी प्लस वन रोज एंड ए प्लस थ्री कॉलम्स। मैट्रिक्स एक्स के पास एक्स में हमारे पास इतने रो इतने कॉलम, वाई में इतने और इतने कॉलम। अब उसने ही बोला हमें यहाँ मैट्रिक्स एक्स वाई क्या है, डिफाइंड है। ऐसे ही हम लिखेंगे सिंस एक्स वाई इज डिफाइंड। अगर एक्स वाई डिफाइंड है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई के। इसके थे ए प्लस टू और उसके थे बी प्लस वन। अभी एक इक्वेशन बना लो, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ए प्लस टू माइनस बी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, या अगर ए माइनस बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इससे दे दो आप इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली क्या लिखेंगे, अगेन क्या है वाई एक्स इज डिफाइंड, सेम यहाँ पे भी आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ एक्स। ये भी दोनों क्या है अब इक्वल हैं, तो इसमें ये क्या दे रखा था हमें, ए प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सिमिलरली ए प्लस थ्री माइनस ए माइनस बी, ए से ए क्या हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, बचे गया क्या हमारे पास ये माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास थ्री। अब इसे पुट कर दो, पुट इन वन, वन में पुट करेंगे ए माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, या अगर ए माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास टू। ए बी आ गया ए टू, बी आ गया हमारे पास थ्री। नेक्स्ट आफ्टर द वैल्यूज ऑफ ए एंड टू, नाउ देयरफोर एक्स इज ऑफ फाइव बाय फोर। अब ऑर्डर पता चल गया ठीक है, एंड वाई इज ऑफ फोर बाय फाइव। उसके बाद ये कैसे पता चला हमें, उसी के रोज और कॉलम दे रखे थे, मतलब एक्स उसने दे रखा था एक्स हैज ए प्लस बी रोज, ए की वैल्यू कितनी आई थी टू और बी की कितनी थी ये फाइव हो गया, और कॉलम कितने थे, ये रो थे उसके पास और कॉलम कितने थे उसके पास ए प्लस टू, ए कितना था हमारे पास टू और ये टू, ये हो गया फोर, मतलब जो एक्स की ऑर्डर था वो फाइव बाय फोर हो गया। सिमिलरली वाई, वाई में कितने उसके पास रोज कितनी थी, वाई के लिए रोज थी उसके पास बी प्लस वन, ये उसकी रो थी
ठीक है, रो वी प्लस वन, वी कितना था हमारे पास 3 प्लस 1, ये कितना हो गया 4, और कॉलम कितने थे उसके पास, ए प्लस 3, ए मेरे पास 2 था और ये 3, 5, तो इसका ऑर्डर हो गया 4 बाय 5, ये हमने यहीं पे लिखा है कि इसका ऑर्डर और ये वाई का ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद उसने हमें दिया है एक्स वाई, एक्स वाई भी आपको पता चल गया, एक्स और ये वाई, पहले ये एक्स हो गया, यहाँ मैं वाई दिख रही हूँ, ये और ये सेम था, मतलब जो एक्स वाई होगी वो 5 बाय 5 की होगी, ये लिख दिया। जब वाई एक्स किया, पहले वाई लिखूंगी 4 इंटू 5, फिर लिखेंगे एक्स वाला, ये तो ये और ये सेम है। अब जो नेक्स्ट बनेगी, जो नेक्स्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 4 इंटू 4 की, 4 बाय 4, तो ये हो गया हमारे पास वाई की। तो इसीलिए लिखा है सो एक्स वाई एंड वाई एक्स आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप की नहीं है क्योंकि उसका ऑर्डर 5 बाय 5 है, उसका ऑर्डर कितना है 4 बाय 4, और बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस दिस इज आर आंसर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, वेयर ए इज इक्वल्स टू दिस 3 बाय 3 मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, एंड यूज इट फॉर, पहले कहता मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट फाइंड करो, उसके बाद ये प्रोडक्ट इन इक्वेशंस पे कहीं ना कहीं यूज़ होनी है, तो उस प्रोडक्ट को हमने इस इक्वेशन में सॉल्व करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी पड़ेगी, मैट्रिक्स दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो वो हम पहले करते हैं। ओके, नाउ वी हैव सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, हियर ए देन बी, सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आफ्टर दैट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये उसका आंसर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया, देन ये सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया ए बी इक्वल्स टू दिस। नाउ कंसीडर द इक्वेशंस, इक्वेशंस आर गिवन, जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है, अब इन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, ए हम इसी से बनाएंगे, बी भी, एक्स भी हम इसी से बनाएंगे और बी भी हम इसी में से बनाएंगे। ये देखो एक्स वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड, इसके जस्ट कॉफिशियंट्स लेने, इसके आगे क्या है 1, इसके आगे 1, इसके आगे क्या है 2 3, ये क्या है 2 और यहाँ क्या है 1 2, यहाँ क्या है वाई के साथ 1 और यहाँ क्या है 3, ये हमारी बन गई मैट्रिक्स ए। अब एक्स में जितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ वाई आ गया, यहाँ पे जेड आ गया, और बी 1 देन 7 देन 2, ये हमारी ए एक्स इक्वल्स टू बी की कंडीशन हो गई। अब देखो ये सेम बन गई हमारे पास, कौन सी, बी के जैसी, नोट करो, अगर मैं इसे, ये सेम होगी, अगर मैं इसके आगे यही वाली लगा दूं मैट्रिक्स ए, इसको आगे से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आगे से मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो वो होती है प्री मल्टीप्लिकेशन, और अगर लास्ट पीछे से करते हैं तो वो दैट इज पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। अब पहले प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसके साथ, यहाँ इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिखो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को बी के साथ, सॉरी ए के साथ, बी नहीं है ये, ये पहले से बी दे रखी है तो हमें ए के साथ करना है। यहाँ ए के साथ क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं ए माइनस 5 7 1 1 1 माइनस 1 3 माइनस 5 1, बाकी तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 3 2 1 2 1 2 1 3, बाकी ये भी ऐसे ही आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लिकेशन अगर इस साइड हुई है तो इस साइड भी होगी, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे -5 7 1 1 1 -1 3 -5 1, और सिमिलरली यहाँ पे 1 7 2, जो मैट्रिक्स हमारे पास बी, सॉरी हाँ बी ये वाली थी, वो यहीं पे ऐसे ही
लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। इसे दे दो नंबर स्टार, फ्रॉम स्टार यू कैन राइट एज इट इज़ 4000400004। यहाँ ये x y और ये z एज इट इज़ ही आ जाएगा। इस साइड आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, फर्स्ट रो को इसी फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा, -5 × 1 +1 × 7 +3 × 2 7 × 7 प्लस ये सेकंड रो को कर रहे हैं अब 1 × 7 7 × 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, 7 × 1 1 × 7 -5 × 2। नाउ थर्ड रो 1 × 1 +-1 × दिस इज 7 +1 × 2 ये हमारा कम। अब देखो ये मैंने मैट्रिक्स एज इट इज़ ऐसे ही नोट कर ली, ये पीछे की जो लिखी थी हमने ये सारी सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके ये आएगी। इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ 8 आया, यहाँ आया -4। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास आएगा -4, यहाँ +4, ये -4। ये इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 4 × x 4x +0, इसको करना था +0 तो 4x ही बचेगा। सिमिलरली ये बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल कर दिया, सेकंड को सेकंड के इक्वल किया और थर्ड को थर्ड के इक्वल किया, x y और z की वैल्यूज आ गई। यहाँ पे ये चीज़ आप एक ध्यान में रखो, ये मैट्रिक्स थी मेरे पास जो कितनी रोज थी इसमें 3 और 3 कॉलम थे। सेकेंड में देखो रोज कितनी है 1 2 3 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये और ये तो इक्वल होना चाहिए था, ये इक्वल था तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाई इनकी। और जो नेक्स्ट बननी थी वो किसकी बनेगी, 3/1 की, मतलब 3 रोज होंगी लेकिन कॉलम एक ही होगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए पार एन इज इक्वल्स टू दिस वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसे हम बाय पीएमआई करेंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बाय पीएमआई करने वाला है। पीएमआई हमने लास्ट ईयर प्रीवियस चैप्टर नंबर 4+1 का जो था आपका उसी में किया था। अब हम इस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उसमें क्या किया था, पहले एन को 1 पुट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे स्टेप 1 पुट एन इक्वल्स टू 1। एन इक्वल्स टू 1 पुट करोगे कहाँ पे, यहाँ पे ए पार 1, यहाँ आ गया 1 + 2 × n, एन 1 है तो 1 − 4 × 1, ठीक है, ये 1, ये −1 × 2 × 1। अब सॉल्व करो 1 + 2 कितना हो गया 3, यहाँ आएगा −4 1 − 2, ये हो गया −1, दिस इज +1, तो यहाँ आएगा हमारे पास −1। देखो ये ए के इक्वल ही आ गया, अगर तो ये ए के इक्वल ही बन जाएगा तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, रिजल्ट अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, अज्यूम करना है रिजल्ट ट्रू है। तो यहाँ बस सेकेंड स्टेप में ए पार के 1 + 2 k −4 k, यहाँ पे भी k, यहाँ 1 − 2 k, ये इसको नंबर 2 देके हमने यहीं पे छोड़ देना है। अब स्टेप नंबर 3, पुट एन इज इक्वल्स टू k +1। जस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया। अब यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसको, ए पार के इंटू ए पार 1, बेस सेम पावर्स प्लस होकर यही बन जाएगा। ए पार के की वैल्यू है हमारे पास 1 + 2 k, यहाँ आ गया k −4 k 1 − 2 k, और यहाँ लिखेंगे a, a हमारे पास क्या है 3 1 − 4 − 1। सिंपली फिर से इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा 3 1 + 2 k +1 × −4 k, ये हो गया। अब इसी को हमने करना है किसके साथ,
सेकंड कॉलम के साथ क्या आएगा, माइनस फोर वन प्लस टू के, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा फोर के। फिर सेकंड रो ये आएगा थ्री के प्लस वन माइनस टू के। अब ऐसे ही इसको इसके साथ करेंगे, माइनस फोर के माइनस वन प्लस का टू के, ये आ गया थ्री प्लस सिक्स के माइनस का फोर के, माइनस फोर माइनस एट के प्लस फोर के, ये आ गया हमारे पास के प्लस वन। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, माइनस टू के माइनस का वन। अब देखो ये तो के प्लस वन, यहाँ देखो इस चीज़ पे एन दे रखा है, यहाँ इसकी जगह क्या आ गया के प्लस वन। सेम बाकी जगह पे भी आ जाएगा, थ्री प्लस ये बन गया हमारे पास टू के, ये आया मेरे पास माइनस फोर माइनस का फोर के, यहाँ से भी मैं माइनस फोर कॉमन निकालूंगी तो वो चीज़ बन जाएगी, ये पहले से ही आ गया हमारे पास, यहाँ मुझे दे रखा है, इस चीज़ को मैंने अब बनाना है सिमिलरली उसके जैसा। ये देखो ये हमारे पास लास्ट में बचा था, अब ए पर एन को देखना ज़रा ध्यान से, मैंने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना हमने, मैंने इसको ऐसा ही बना देना है। यहाँ हम लिखेंगे वन प्लस टू, एन की जगह क्या आना चाहिए के प्लस वन, ठीक है। यहाँ से तो आप वैसे ही माइनस फोर मैंने आपको बताया कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ जाएगा के प्लस वन, ये उसके जैसा हो गया, माइनस फोर आ गया, एन की जगह अपने आप आ गया यहाँ पे, यहाँ भी अपने आप ऑलरेडी आ ही चुका है आपके पास के प्लस वन। यहाँ फिर से मुझे या तो मैं दिमाग चलाऊंगी यहाँ पे कि हम लोग सोच लें, नहीं तो वेस्ट आपके पास वन माइनस टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं के प्लस वन। इसको और इसको सॉल्व करके देखना, सेम इसके जैसा बन जाएगा, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। ये हमारे थे आज के कुछ क्वेश्चंस, अब मैं आपको इसी के रिलेटेड थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, वो आपने कर लेना है। ये आपके वन टू फाइव क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सेम जो टाइप्स आज हमने कवर किए हैं सेम उसी जैसे क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।